رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस मजलिस में गुफ्तगु करेंगे नवाकिज़ इस्लाम के बारे में। सबसे पहले नवाकिज़ है क्या? ये नाकिज़ उनकी जमा है और नवाकिज़ुल इस्लाम इसका मतलब ये है कि ऐसे अफ़ाल व उमूर जिनके करने से एक मुसलमान दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। तो उलमाए किराम ने इर्तिदाद के बारे में कई अनवा बयान की हैं, कई मुख्तलिफ शक्लें बयान की हैं और उनमें से सबसे अहम जो सूरतें हैं वो इंशाअल्लाह हम आपके सामने आज बयान करेंगे, जिसको इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने और देगर अहले इल्म ने बयान किया है। तो इससे ये चाहिए कि हम सारे मुसलमानों को चाहिए कि इसे समझें, और अगर हम ऐसे किसी काम में लगे हैं जो हमारे लाइल्मी की वजह से ये जारी है तो हमें इससे परहेज़ करना चाहिए और इससे गुरेज़ करना चाहिए। और अगर किसी ने ये कर लिया है तो वो तौबा करे, इस्तगफार करे और दायरे इस्लाम में फिर से आ जाए, कलमे तौहीद का इकरार करे, रिसालत का इकरार करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहे और माफ़ी मांगे। तो आइए इंशाअल्लाह हम तफसील से इन सारे उमूर को देखते हैं। सबसे पहले है अश्शिर्कु फिल इबादतिल्लाह, कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, अल्लाह की इबादत में, उसके नामों में या उसकी सिफात में या उसके अफ़ाल में। इबादत में ये है कि जो चीज़ हम अल्लाह के लिए ख़ास इबादत करते हैं हम और आप किसी और के लिए जायज़ समझें, किसी और के लिए करें, जैसे सजदा करना, रुकू करना, दुआ मांगना, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही है। लेकिन हम किसी और के लिए अगर करें, किसी और के लिए सजदा करें, किसी और से दुआ मांगें, तो ये शिर्क है। तो लिहाजा हमें शिर्क की तमाम अनवा और तमाम शक्लों से परहेज़ करना चाहिए और बचना चाहिए और इसके बारे में मालूमात रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार, सूरा मायदा आयत नंबर 72, कि जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जन्नत हराम कर देता है और उसका ठिकाना जहन्नम है और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सराहतन वाज़ह कर दिया कि शिर्क जो है ये सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ा कुफ्र है और ये नवाकिज़ इस्लाम में से है। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि शिर्क और इस तरह की तमाम अनवा से अपने आप को बचाएं। और इसी तरीके से मज़ीद एक आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लक़द कफ़रु अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम वक़ालल मसीह या बनी इस्राइल अबुदुल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार, के ईसा इब्ने मरियम को ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा कहा तो गोया उन्होंने कुफ्र किया, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने यह कह दिया था कि ऐ बनी इसराइल तुम अपने रब की और मेरे रब की इबादत करो, यानी हम दोनों का रब एक है और वो अल्लाह है, तो लिहाजा तुम मुझे उसके साथ शरीक न करो।
और लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को पहली वसीयत और पहली नसीहत जो की वो यही था, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, कि ऐ मेरे बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक कार न बनाओ, किसी को साझी न बनाओ। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, के शिर्क यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है। ये भी सूरह लुकमान आयत नंबर 13 में है। तो लिहाजा इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इसके यही है कि मुर्दों से दुआएं मांगना, या उनसे मदद मांगना, या उनके लिए नज़र करना, या उनके नाम पर ज़बह करना, है ना, ये कई शक्लें आती हैं। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम इससे अपने आप को बचाएं और अपने अहले ख़ानदान, अहले कबीला को बचाएं, ताकि ऐसा ना हो कि लाइल्मी में हम ऐसा कोई काम करें जिससे हम दारे इस्लाम से ही खारिज हो जाएं।